अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस वंडर किचन। जी फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ खट्टा मीठा कैरी का अचार। इसके लिए मैंने 1 किलो कैरी ली है, उसे मैंने छोटे टुकड़ों में कटवा लिया है, अच्छी तरह वॉश कर ली है। इसे मैं सबसे पहले नमक और हल्दी लगा के 4 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे। 1 टेबल स्पून में इसमें नमक ऐड करूँगी, 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। चार से पांच घंटे हम इसे रख देंगे ढक के, कैरी का पानी छूट जाएगा, फिर हम इसे ड्रेन करके इसमें मसाले मिलाएंगे। जी फ्रेंड्स, 4 घंटे हो गए हैं नमक हल्दी में लगे हुए, कैरी का पानी अच्छी तरह छूट गया है। अब मैं इसे अच्छी तरह छान के इसमें मसाले मिलाऊंगी। अचार बनाने के लिए यहाँ मैं सबसे पहले तेल गर्म रखूंगी, जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे अचार में डालेंगे। कैरी मैंने अच्छी तरह ड्रेन कर ली है और इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया है, और तेल मैंने गर्म करके इसे ठंडा करने के लिए रख दिया है। अब हम अपनी रेसिपी शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे हम मसाले पहले मिक्स कर लेंगे, फिर हम कैरी डालेंगे। 1 किलो कैरी है, यहाँ मैं 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी, 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक डालूंगी। कैरी में भी नमक हल्दी शामिल है तो मैं यहाँ कम नमक रखूंगी। अभी 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया डालेंगे, 1/4 टीस्पून कलौंजी ऐड करूंगी, 1/2 टीस्पून सफेद जीरा डालेंगे, 2 टेबल स्पून सौंफ भी डालूंगी, 1/4 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे, 4 अदद लौंग डालूंगी, 2 से 3 टुकड़े में दालचीनी के डालूंगी, 1/2 टेबल स्पून में राई दाना डालूंगी, 1 टेबल स्पून मेथी दाना डालेंगे। ये दोनों चीजें कुटी हुई हैं। 1 किलो मैंने कैरी ली है, यहाँ मैं 1/2 किलो गुड़ लिया है मैंने और छोटे टुकड़ों में काट लिया है, वो भी हम डाल देंगे। तेल ठंडा हो चुका है, वो भी हम इसमें डाल देंगे, जरूरत पड़ने पे और तेल में शामिल करूंगी। बहुत ही मज़ेदार खट्टा मीठा ये अचार बनता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आप फीडबैक भी दें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसे सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली मज़ेदार रेसिपीज आप तक पहुंच सकें। जी फ्रेंड्स, अब मैं इसमें कैरी भी ऐड कर दूंगी। मीठे अचार में इतना तेल काफ़ी होता है, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि तेल डूबा हुआ रहे। अब मैं इसे एक जार में डाल दूंगी और हम 4 दिन तक इसे खोलेंगे नहीं। इसकी वजह यह है कि इसमें कैरी, खड़े मसाले, सब कुछ अच्छी तरह मसाले पक जाएंगे। 4 दिन के बाद हम इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मीठा अचार बनता है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दें, और लाइक और शेयर भी करें मेरे चैनल को। जी फ्रेंड्स, अब मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।